सत श्री अकाल जी सारों, आई होप आप सब जहां भी हो खुश हो एंड हेल्दी हो। हम हो गए तैयार बिकॉज हम निकल रहे हैं अपने इंटरनेशनल ट्रिप के लिए और देखो यहां कौन कौन आया हुआ है। भाभी यो, भाभी हमें जा रही है ड्रॉप करने। कितनी अच्छी भाभी हमें ड्रॉप करने जा रहे हो। ये देखो ये हमारा एक सूटकेस, ये छोटा सूटकेस, ये एक और सूटकेस, एक सूटकेस अंदर से आ रहा है, ये रहा मैक्स। अरे 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 भैया हमारे आज के ड्राइवर कितना सेक्सी ड्राइवर बुलाया मैंने। देखो मैं पता है थोड़ी शेप शिप करा के आया। मैं ड्रॉप करने इसलिए जा रहा हूँ, पता लगे वापस आ गया ये मिस करते करते एयरपोर्ट से ही। यस, ये कंफर्म कर रहे हैं कि हम फ्लाइट चढ़ जाएं बिकॉज हमारा थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड इनके हिसाब से हम लेट ही होते हैं हर जगह पे, तो कहते हैं तुम्हें धक्का दे के आऊंगा अंदर, फटाफट फ्लाइट चढ़ जाओ। आज भी लेट है, आज भी लेट है। नहीं यार हमारी 11:15 की फ्लाइट है, तो है अभी 7:15 हो चुके हैं ब्रो। 7:15, ये घड़ी बड़ी अच्छी है। ओ माय गॉड, इनकी इनकी ड्रीम वॉच ना, आप कहते हैं ड्रीम वॉच, ड्रीम वॉच। अब 8 दिन आप तो पीछे से मैक्सिमस डायना को मिलना, तो हम उनको बहुत मिस करेंगे, ये तो पीछे से मिल लेंगे और हम आपको भी बहुत मिस करेंगे। हम पीछे से ना इनको वीडियो कॉल कर करके चढ़ाएंगे। चलो एटलीस्ट ये पीछे रहेंगे। हमारा संजू भी है, संजू संभालेगा डायना और मैक्सिमस को, और ये बीच बीच में आके थोड़ा चेक कर लेंगे, थोड़ा ध्यान रख लेंगे। तो अब बात आती है कि हम जा कहाँ रहे हैं। मैंने पिछले व्लॉग में ये डिस्क्लोज नहीं किया था कि हम कौन सी कंट्री जा रहे हैं। ओह माय गॉड, नो। तो हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट पे जाके बताएंगे। अभी नहीं, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। यस, हम जा रहे एयरपोर्ट। एक बार एयरपोर्ट चले जाएं, अपना बोर्डिंग पास वगैरह ले लें, आपको सीधा वही दिखाते हैं, या तो इमिग्रेशन करने के बाद या तो इमिग्रेशन से पहले। तो अभी हम हो रहे हैं लेट, हम बोर्डिंग पास नहीं दिखाएंगे और कभी दिखाना भी नहीं है, कभी नहीं दिखाना। बोर्डिंग पास लोग दिखा देते हैं, बाद में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ओ तो हम वो नहीं दिखाएंगे। तो कंट्री डिस्क्लोज तो कर ही देते हैं, कंट्री डिस्क्लोज आप कर दो, छोड़ो इसको, आप बताओ बताओ कहाँ जा रहे हैं। हम अभी इंडिया में दिल्ली एयरपोर्ट कंट्री। तो समझ आओ, थोड़ी देर के बाद ही बताते हैं, अभी फटाफट बैठते हैं गाड़ी में, घर से निकलते हैं, इन छोटू मोटुओं को करते हैं बाय और गाड़ी में बैठ के आपसे करते हैं बात। 1 hour later हम आ गए एयरपोर्ट, टाइम हो गया है 8:25। हमें बहुत बहुत ज्यादा जाम मिला लेकिन हम फाइनली पहुंच गए। ये आ गया है एयरपोर्ट, अब फटाफट जाते हैं अंदर। बाय भाभी, अब मुझे मिस करोगी ना। और गेट नंबर 8 जो है ना वो नहीं, 7 से हम। यस, हम गेट नंबर 8 से नहीं जाएंगे। ये रहा हमारा सारा सामान, अब बाकी की बात करते हैं अंदर जाके, इनको टाटा बाय बाय कर लेते हैं और अंदर जाके बात करते हैं। तो ट्रॉली पे हमने रख दिया सारा सामान, फटाफट जा रहे हैं अंदर। ये तुम्हारी भाभी, जल्दी आओ, जल्दी लेट हो गए। ये लो जी आ गए हम अंदर, जल्दी जल्दी चलते हैं, फटाफट से लेते हैं बोर्डिंग पास और उसके बाद जाते हैं इमिग्रेशन की तरफ सिक्योरिटी करा के, बिकॉज हम वैसे टाइम पे आ ही गए हैं। हमारी 11:15 की फ्लाइट है और अभी 8:15 हम एंटर कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और हम कहाँ जा रहे हैं एक बार बोर्डिंग पास ले लेते हैं, आपको बताते हैं कि हम कौन सी कंट्री जा रहे हैं, और वो कंट्री आपको अगले सारे व्लॉग्स में देखने को बहुत ज्यादा अच्छे से मिलेगी। तो व्लॉग्स देखते रहो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि अगले व्लॉग्स भी मिस ना करो। 20 minutes later दिखा दो एक बार बोर्डिंग पास। हाँ पीछे से ये हमारे बोर्डिंग पास आ गए, बिकॉज हमें अरे मैंने मना किया बोर्डिंग पास दिखाने से, कोई डिटेल्स पता नहीं, पता चल जाती है हमें तो इतना नहीं पता, वैसे तो नाम वाम ही होता है उस पर और क्या क्या होता है, I don't know। तो अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स सिक्योरिटी चेक के, वहां से आगे जाएंगे हम इमिग्रेशन चेक पे, वो कर करा के फिर हम अंदर पहुंच जाएंगे जहां पे मिलेगा हमें ड्यूटी फ्री, वहां से हम खरीदेंगे थोड़ी सी शराब जो हम पियेंगे जाके सिंगापुर में। यस, वी आर गोइंग टू सिंगापुर। ये रहा अपना छोटा सा बैग, ये रहा मेरा नेक पिलो, ये रहा आरे का नेक पिलो, इसका छोटा सा बैग, और ये रही तुम्हारी भाभी छोटी सी। मैं इसने मुझे कॉपी करा, इसने ऑल ब्लैक पहना है बिकॉज मैंने भी ऑल ब्लैक पहना है, दिखाओ ये लो। मैंने भी ऑल ब्लैक पहना, ऑल ब्लैक। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, बताओ आपको कौन सी लेनी है इनमें से। सी, एक रास्पबेरी ले लेते हैं, 1 will get peach, इन दो पे ऑफर लग जाएगा ये वाला, और हमें 10% और एक्स्ट्रा मिल जाएगा बिकॉज हमें रिटर्न पे उठानी है, राइट। और दो ये उठा लेते हैं, इस पे भी ऑफर मिल जाएगा, इस पे भी अच्छा ऑफर है, तो ऑफर भी यहाँ से उठा लेते हैं। अभी हमें सोचा हम ये सारी पियेंगे, असली में जब भी आप ड्यूटी फ्री से जाते हो तो घर पे ले जानी चाहिए दारू, यहाँ से सस्ती मिलती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है। तो हम ये लीटर लीटर की बोतल उठाएंगे 4, लेकिन अपने रिटर्न में हमें 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, ये हमें पहले किसी ने बताया था, तो वो 10% का हम फायदा उठाएंगे, हम रिटर्न पे यहाँ से उठा लेंगे। और जब हमें सिंगापुर में अगर दारू पीनी है वो दारू हम लेंगे सिंगापुर एयरपोर्ट से, वहाँ के ड्यूटी फ्री से, और वो आगे ले जाएंगे। तो इसको फटाफट कराते हैं बुक ताकि हम वापसी में इसे उठा सके। एक बार आप भी सारी देख लो, देखो ये वाली कितनी फैंसी है, 1 is for 5290 और दो मिल रही है 8460 पे, तो इसमें भी अच्छा ऑफर है, ये काफी अच्छा बोट का है। Meanwhile, मुझे बल्गारी का एक्वा काफी पसंद है, तो उसमें दिखाओ, उसमें भी अटलांटिक के, जो अटलांटिक के रहता ना वो वाला। सर अटलांटिक इज वन इज आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक है, फिर नहीं चाहिए बल्गारी। इज द मोस्ट पॉपुलर वन। अच्छा ये बेसिक वाला है, तो इस पे क्या ऑफर है? ये कौन सा टेरेस, तो जो मुझे चाहिए वो इनके पास है नहीं है। मुझे अटलांटिक बहुत पसंद है बल्गारी का, वो बहुत ही अच्छा परफ्यूम है, पर वो है नहीं इनके पास। नो, सो इट्स
सो नो बल्गारी ओनली दारू. परफ्यूम हमें कोई पसंद नहीं आया बट यस हमारी दारू डिसाइड हो गई है जो हमें वापसी में लेनी है. अब हम उठाएंगे रम चॉकलेट. हम कौन से ब्रांड के लेते हैं वैसे नॉर्मली? अभी आके देखते हैं कौन से चॉकलेट. लिकर फ्लेवर में कोई ना कोई अच्छा सा चॉकलेट. हाँ लिकर फ्लेवर रम रम में कोई चॉकलेट लेंगे डार्क अच्छा सा वो देखते हैं एक बार. अभी टाइम हो रहा है 9:40 10:15 पे हमारी बोर्डिंग शुरू हो जाएगी और 11:15 पे हमारी फ्लाइट है तो फटाफट से यहाँ पे निपटाते हैं. तो देखो हमें बेलीज के चॉकलेट मिल गए हैं. कौन कौन से फ्लेवर है इनमें? इसमें कैरमल सिग्नेचर कॉफी. ओके इसमें स्ट्रॉबेरी सिग्नेचर एंड चॉकलेट. हमें फाइनली बेलीज. बेलीज इज रम और वॉट? हम तो वैसे कॉफी कॉफी लिखकर होता है ना ये तो लिक्योर. एक्चुअली देयर इज वन व्हिस्की one is like rum based. चलो ये नई चीज पता चली. ये शराब की नॉलेज नहीं थी. यू गॉट मोर? यस. ओह तुमने 3+1 ले लिया. कॉम्बो का फायदा. तभी एक नहीं मिला. Smart. 12 seconds later. तो हमने एब्सोल्यूट ड्रॉप करके करी है देवस. बिकॉज हमारे भाई बोल रहे हैं कि आप एब्सोल्यूट बाहर से लो उसका रेट वही बढ़ता है. आप ये देवस पकड़ो ग्रेगूस के साथ तो आपको बैग मिल जाएगा. बैग उठा लेते हैं. फ्री में कुछ चीज मिल रही हो तो क्यों नहीं. तो मोटा मोटा हम 3,000-3,500 एक्स्ट्रा दे रहे हैं और एक बैग आ रहा है. तो चलो दारू भी अच्छी हो रही है और बैग भी आ रहा है. हमें फ्री में बैग मिल रहा है. हाँ ये आ गया अपना बैग जो हम लेके जा रहे हैं साथ. दारू हम साथ लेके नहीं जा रहे हैं. हमने प्री बुक करी है वापसी में उठा लेंगे. चॉकलेट्स बिल हो रहे हैं इसके लिए. और हम यहाँ से फटाफट ये बिल बिल करके बैग में सामान डाल के निकलते हैं और फ्लाइट की तरफ चलते हैं बिकॉज अब हम हो रहे हैं लेट. That night. भाई स्क्रीन नहीं चल रही ना. ये सर काफी बुरा हुआ है. ये देखो टी-शर्ट ये चल रही है. तुम्हें बैठना है. तुम्हें विंडो सीट पे बैठना जरा. सिंगापुर सिंगापुर का टाइम थोड़ा आगे है ना. आई थिंक 2.5 घंटे आगे. तो अगर इंडिया में 5 बज रहे हैं सुबह के तो वहाँ बज रहे होंगे 7:30. हम 7:30 पहुंच 7:30 या 8 बजे तक हम वहाँ पहुंच जाएंगे. एंड वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज कोविड के बाद हमारा पहला इंटरनेशनल ट्रिप है. वैसे अलग अलग हम गए हुए हैं बट एक साथ पहली बार शादी के बाद हम जा रहे हैं कहीं घूमने. तो होपफुली ये ट्रिप बहुत अच्छा हमारे लिए. हमें बहुत ज्यादा मजा आया. The next day. कितनी खुश लग रही हो फिर उत्तर की तुम सिंगापुर की धरती पे. Yes. पहुंच गई. पहला इंटरनेशनल ट्रिप है तुम्हारा. बता दो अब सबको मेरे साथ शादी करके तुम अपने पहले इंटरनेशनल ट्रिप पे. बता दो 2019 में ओमान गई थी और एज अ की 2000 में सिंगापुर आ चुकी हूँ. ये 2000 में सिंगापुर आई थी मतलब उस टाइम में ना जब दुबई भी नहीं बसा था तब ये सिंगापुर होके गई है. और मम्मी की गोदी में आई थी यहाँ पे. और मैं गोदी में नहीं थी. मैं अच्छी खासी चलती जो, भी जो ये एयरपोर्ट हम देख रहे हैं ना ये चांगी एयरपोर्ट ये उस टाइम पे बना भी नहीं होगा जब ये आई थी. बात तो सुन रहे हो उसकी मतलब बचपन में आए हुआ ना वो काउंट नहीं होता जब तुम गोदी में हो तब आए हो. ये अभी पहला इंटरनेशनल ट्रिप ढंग का जो इसका मेरे साथ. अब मैं तुम्हें और कंट्रीज घुमाऊंगा इसका. थैंक यू बोलो. तो गाइस हम पहुंच गए हैं सिंगापुर. गुड मॉर्निंग. बहुत अच्छी फ्लाइट थी. बड़ी कंफर्टेबल फ्लाइट थी. और मेन चीज क्या थी ये हमारी जो 3 सीटर होती हैं जो एक रो होता है वो 3 सीट्स होती हैं. हमारी तीसरी सीट पे कोई नहीं था तो बस हम दो थे. मैडम तो पूरी टांगे पसार के सो रही थी. मैंने पूरा व्लॉग एडिट करा अच्छे से जो कि आपको देखने को मिल जाएगा जल्दी. एंड अब हम जाएंगे बाहर की तरफ बिकॉज हमारी टैक्सी हमारे वेट कर रही होगी. टाइम हो गया है 5:15 पर ये इंडिया का टाइम है. सिंगापुर का टाइम है 7:45. सिंगापुर का टाइम 2.5 घंटे आगे इंडिया से जैसे कि हमने आपको बताया था. अब हम चलते हैं बाहर की तरफ. अपनी टैक्सी खड़ी होगी बाहर तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से. चलते हैं होटल की तरफ. एंड आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा एयरपोर्ट भी दिखाते हैं बिकॉज चांगी एयरपोर्ट अपने में ही बहुत फेमस एयरपोर्ट है. बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है. राइट अभी तो फिलहाल मुझे बहुत रश दिख रहा है. आगे जाके देखते हैं. अभी तो बहुत रश है लेकिन आगे जाके देखते हैं कैसा होगा. देखो ऐसे ऐसे तो बड़ा सुंदर लग रहा है. नाइस. Later. And we are done with immigration. ज़्यादा रश बिल्कुल भी नहीं था. आरोही मैडम ने एक डिक्लेरेशन में मुझे मेल की जगह फीमेल डाला हुआ था जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया. जानबूझ के क्या ना तुमने? You're so pretty. सीरियसली वहाँ पे जो आंटी बैठी हुई थी ना काउंटर पे वो भी करती कहती आपका ना फीमेल डला हुआ है और वो भी हंस हंस के बोल रही थी. फटाफट से सामान पकड़ते हैं. कैबी हमारा बाहर आ गया हुआ है. उसका मुझे कॉल बच गया. फटाफट से उसके पास जाते हैं सामान मिल जाए. एक बार एक आ गई है एंड सेकेंड आ गई. ये कहाँ है? अच्छा अच्छा Hello.
Hi, good morning. Okay, welcome to Singapore. Thank you. He's my wife, Arohi. Okay, everything gone? Yeah. We got everything. Follow me. तो हमारी कैब आगे हुई है तो फटाफट चलते हैं. इन्होंने बोला है फॉलो मी तो हम इनको फॉलो करते हैं. यू कंफर्टेबल? ये मैं पकड़ो, आप कैमरा पकड़ लो, मैं भी पूरा आ जाऊँ कैमरे में. रेस नहीं है, यू कैन वॉक स्लो. 2 seconds later. ये हमारी सफारी. हम दो लोगों के लिए ये गाड़ी, हम दो लोगों के लिए. यहाँ पे ऐसा ही होता है. चलो मेहनत करो, सारा सामान. चलो लेट्स गो, फॉलो मी. यहाँ से हमारा होटल है आधा घंटा दूर. थोड़ा सा हो गया अंधेरा तो फटाफट चलते हैं होटल. होटल भी हमारा अच्छा है. हमारे होटल का नाम है ग्रैंड कॉपथर्न वाटर फ्रंट. ये ना पहले तो भी बोल सकता हूँ, वैसे मैं रवि से पूछ के बताऊंगा. यहाँ पे क्या होता है, मुझे रवि ने पहले ही बताया था, जो प्राइवेट कैब जब हम करते हैं कहीं का भी हमारा ट्रांसफर रहेगा, क्योंकि हमने सारे ट्रांसफर लिए हुए हैं, तो इतनी बड़ी गाड़ी आएगी हमेशा, 16 सीटर या इस तरह से. A few moments later. ग्रैंड कॉपथर्न, यही तो नाम बोल रहा था मैंने, गलत थोड़ा बोल रहा था. आ गया फिर सारा सामान, अभी वो बंदा भेजेंगे लेके जाएगा. तो हमारा चेक इन हो गया, लेकिन रूम रेडी होने में थोड़ा सा टाइम है. तो उन्होंने हमें बताया कि बाहर एक बहुत अच्छा सा रिवर जाता है, तो आप उसके साइड से वॉक करके आ सकते हो. बिकॉज उन्होंने मेरे हाथ में कैमरा देखा, तो कैमरा देख के बोलते जाके रिकॉर्ड भी कर लो. बट सीरियसली बहुत साफ सुथरा है सिंगापुर, बहुत ज्यादा ग्रीन भी है, इतनी ज्यादा प्लांटेशन है. तो हम यहाँ से जाएंगे क्रॉस करके उस साइड, वहाँ पे बहुत सारी ईटरीज हैं सामने देखो तो, और वहाँ पे कोई अच्छी सी ईटरी देख के खाते हैं और टाइम पास करते हैं जब तक हमारा रूम रेडी होता है. भूख लग रही है, चलो फिर जल्दी चलो. एक ये है कैफे, और यहाँ पे लाइन में बहुत सारे कैफे हैं. बट जो एक हमने स्टार्टिंग में कैफे देखा है वहाँ चलते हैं, बिकॉज वहाँ पे हल्का हल्का म्यूजिक भी बज रहा है और आई थिंक वो थोड़ा चिल ज्यादा था. 20 minutes later. तो हम आगे एक जगह पे बोटानिक करके, काफी अच्छी जगह है. यहाँ पे हम खाएंगे ब्रेकफास्ट और साथ में मेरा व्लॉग होगा यहाँ से अपलोड. मैंने इनके वाईफाई से कनेक्ट कर लिए ताकि आपको व्लॉग मिस ना हो. संडे को व्लॉग चढ़ जाए और आप इसे व्लॉग को देख पाओ. काफी अच्छा व्यू है यहाँ से बाहर का. तो यहाँ पे हम आराम से करेंगे रेस्ट और उसके बाद जाएंगे होटल. तब तक हमारा रूम भी रेडी हो गया होगा और फिर जाके चेक इन करके सो जाएंगे 2-3 घंटे के लिए. ये देखो तुम्हारे भाई की आइस मोबाइल लाटे भी आ गया, अब आएंगे मजे. देखो जी अपना आ गया ब्रेकफास्ट. मेरी कॉफी क्यों मार ली तुमने बताना जरा. ओ हेलो नो, अपनी मंगाओ. तुमने क्या मंगाया अपने लिए? मैं सब टेस्ट कर रही हूं. एक तो बीवी आती है ना, तो तुम्हें सब कुछ शेयर करना पड़ता है. अपना घर शेयर करते हो, सब कुछ शेयर करते हो, खाना भी शेयर करना पड़ता है, कॉफी तक शेयर करनी पड़ती है. मतलब है क्या, व्हाट इज दिस? इट्स कॉल्ड शादी. 1 hour later. अब हो गया मौसम बढ़िया. ये देखो धूप चलेगी फाइनली, एंड हल्की हल्की सी ड्रिजलिंग भी शुरू होगी. yeah. तो मौसम हो गया अच्छा, हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, यहाँ से निकले हैं, हल्की सी वॉक मारेंगे बिकॉज मौसम अच्छा है. इसलिए होटल की तरफ जाएंगे, हमारा रूम रेडी हो गया होगा, चेक इन करेंगे और सो जाएंगे. लेकिन यस, उससे पहले मैं आपको रूम दिखा दूंगा, फिर आपको टाटा बाय बाय करेंगे. जब हम आगे होटल वापस अंदर जाते हैं, देखते हैं हमारा रूम रेडी हो गया कि नहीं हो गया. एंड रूम रेडी हो गया, तो चले ऊपर जल्दी से, रूम भी दिखा देते हैं आपको फटाफट से. अब हम जाएंगे रेस्ट करेंगे और रूम देखेंगे कैसा है, और तुम्हें सुनाएंगे नीचे फ्लोर पे बेड पे सोऊंगा मैं अकेला. 1004, ये रहा हमारा रूम. और यहाँ से देखो, पहले आपको दिखा देते हैं व्यू. तो ये देखो व्यू, रूम से भी ऐसे कुछ व्यू दिख रहा होगा. सिंगापुर है तो वैसे सुंदर है, साफ सुथरी कंट्री है. पते की बात ये है कि सिंगापुर सिर्फ 700 किलोमीटर² में खत्म हो जाता है, मतलब इससे बड़ा दिल्ली है. तो फटाफट खोलते हैं रूम को और देखते हैं रूम कैसा है. वेलकम. सिंगापुर के रूम साइजेस छोटे होते हैं. टेनिस कोर्ट, बस यहीं पर टेनिस खेलेंगे. मैं नेशनल प्लेयर टेनिस का बिल्कुल भी नहीं हूँ. कुछ भी इंसान बोलता रहता है. वो देखो इस रिवर के पास हम वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे. ओह यस, एक बार इस रूम का साइज देखो. मतलब नॉर्मली देखा जाए हमारे इंडिया के हिसाब से काफी छोटा रूम है, बट इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा है. सिंगापुर के रूम बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, बिकॉज सिंगापुर में जो प्रॉपर्टीज है उनके रूम छोटे ही होते हैं और काफी महंगे होते हैं. चलो होटल अच्छा है, अच्छी प्रॉपर्टी एंड लोकेशन बहुत ही अच्छी. तो आपको हमने रूम दिखा दिया, होटल दिखा दिया, एंड हम सिंगापुर पहुंच गए फाइनली. और आज का व्लॉग हम खत्म करते हैं यहीं पे. बट आगे आने वाले व्लॉग्स में बहुत कुछ होगा, बिकॉज हम सिंगापुर में बहुत सारी चीजें ट्राई करेंगे, बहुत कुछ हमारी आइटिनरी में. हम सिंगापुर से थोड़ा बाहर भी जाएंगे, एक और कंट्री में भी पास में, वो आपको चलेगा बाद में पता. तो व्लॉग्स देखते रहो आगे आने वाले, एक्साइटमेंट थोड़ी बना के रखो. तो आज हम बहुत थक गए हैं, व्लॉग करते हैं खत्म यहीं पे. वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाले व्लॉग मिस ना हो जाए. जो कंट्री दिखानी है आपको एक और नहीं, वो भी मिस ना हो जाए. और सिंगापुर में जो दिखाना है वो भी मिस ना हो जाए. तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.